Hello everyone, in this we are going to start our 14th chapter revision which is Jainism and Buddhism. हमने देखा था कि 5th और 6th century जो mid Gangetic Plains था वहाँ पर काफ़ी religions का emergence हुआ लेकिन Jainism और Buddhism काफ़ी strongly emerge हुए. इनका cause of origin था कि जो Vedic society थी post Vedic उसके अंदर जो society 4 वर्णाज में divided थी ब्राह्मण क्षत्रियाज वैश्याज और शूद्राज. इनके अलग अलग जो फंक्शन थे वो भी असाइन थे. जैसे जो ब्राह्मण थे वो प्रीस्टिंग का और टीचिंग का काम करते थे. क्षत्रियाज गवर्निंग और फाइटिंग. वैश्याज कैटल रियरिंग और एग्रीकल्चर देखते थे. वहीं हमने देखा कि जो क्षत्रियाज और ब्राह्मण थे वो हायर क्लास सोसाइटी में आते थे और हायर वर्ण के साथ जो वैश्याज थे उन्हें हम द्विजा कैटेगरी में रखते थे. द्विजा कैटेगरी के लोग सेक्रेट थ्रेड डालते थे. वहीं जो शूद्राज और वुमेन्स थे उन्हें सेक्रेट थ्रेड और वैदिक रिचुअल्स पढ़ना अलाउड नहीं था. शूद्राज को हम अनटचेबल मानते थे. इस वर्ण डिवीजन के कारण जो सोसाइटी थी उसके अंदर हमें काफ़ी मतलब जो बोलते हैं कि टेंशन का माहौल देखने को मिला था. जो क्षत्रियाज थे उनका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया ब्राह्मण्स के डोमिनेशन के खिलाफ. हमने देखा कि जो वर्धमान महावीर थे और गौतम बुद्ध थे वो दोनों क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे. उन्होंने जो ब्राह्मण्स था उनका अपोजिशन किया. उसके बाद हमने देखा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न में इंडिया में एग्रीकल्चर काफ़ी प्रिवेंट होने लगी बिकॉज जो एंड ऑफ द 16th सेंचुरी हमने देखा कि आयरन का इस्तेमाल होने लगा जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट कटिंग और डिगिंग प्लॉइंग में काफ़ी हेल्पफुल मिलने लगी और एग्रीकल्चर लास्ट केयर पर प्रिवेंट हुआ जिसके और एग्रीकल्चर के लिए उन्हें एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करना पड़ता था. लेकिन हमने वैदिक सोसाइटी में देखा कि एनिमल्स का सेक्रीफाइस होता था. काउ एनिमल स्लॉटरिंग वगैरह देखने को मिलती थी जो हैम्पर कर रहा था उनकी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को. वहीं दूसरी तरफ जो सिटीज़ का इमरजेंस हुआ जैसे कौसाम्बी वैशाली वाराणसी इन सिटीज़ का जो रिलेशन वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध से भी है. इन सिटीज़ में जनरली मर्चेंट्स और ट्रेडर्स वगैरह रहते थे जिसकी वजह से जहाँ पर हमें एविडेंस मिले पंच मार्क्ड कॉइन्स वगैरह के भी. और जो वैश्याज थे उनकी जो पोजीशन थी ब्राह्मणिकल सोसाइटी में वैदिक सोसाइटी में वो 3rd नंबर पे थी. वो एक ऐसे रिलीजन की तलाश में थे जिस जहाँ उनको एक अच्छी रेपुटेशन वगैरह मिल सके. वहीं जो ब्राह्मण्स थे उनकी जो लॉ बुक थी धर्मशास्त्र उसमें उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट लेने वाले की और इंटरेस्ट जो लेता है देता है ब्याज पर पैसे उनकी निंदा की थी जिसकी वजह से जो वैश्याज हैं वो मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे. वो दूसरे उन्होंने पेट्रोनेज देना स्टार्ट किया गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर को. उसके बाद हमने देखा कि जो ओल्ड फैशन के लोग थे मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम चल रहा था उसकी वजह से भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था. कुछ लोग अपने उस पुराने एंशियंट टाइम्स में वापस जाना चाहते थे पुरानी आयरन एज में जाना चाहते थे. वहीं जो जैनिज्म और बुद्धिज़्म है उसकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो रहे थे क्योंकि वो जो मतलब जो मॉडर्न और मेटेरियलिस्टिक लाइफ थी उसको कंडेम करता था उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे. वो सिंपल लाइफ जीने में विश्वास रखते थे. उसके बाद हमने देखा जो वर्धमान महावीर और जैनिज्म के बारे में इन्होंने बताया हुआ है. और जो हमने देखा कि जैनिज्म में तीर्थंकर्स का सिस्टम था मतलब जो ग्रेट लर्न मैंस होते थे ये और जो जैनिज्म में 24th ग्रेट लर्न मैंस थे उनमें से जो 24th नंबर के थे वर्धमान महावीर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे. और जो नंबर 1 थे वो थे ऋषभदेव और 23rd नंबर वाले थे पार्श्वनाथ. जो वर्धमान महावीर थे उन्हें जनरली हम जैन रिलीजन का फाउंडर भी बोल देते हैं. जो वर्धमान महावीर ने 30 इयर्स की एज में अपनी जो किंगडम लाइफ थी वो छोड़ दी थी. ये किंग शुद्धोधन और क्वीन त्रिशाला के बेटे थे. इनका जन्म वैशाली में हुआ था. इन्होंने मतलब 42 इयर्स की एज में कैवल्य अपना लिया था. कैवल्य मतलब इन्होंने अपनी मिस्ट्री और हैप्पीनेस के ऊपर कंक्वर कर लिया था. इन्हें ग्रेट हीरो जिन माना जाता था और इनके जो फॉलोवर्स वगैरह थे उन्हें हम जैन्स बोलते थे. उसके बाद हमने देखा जो जैन के अंदर 3-5 डॉक्ट्राइंस थी जिन्हें हम 5 कंस्ट्रेंट्स ऑफ जैनिज्म भी बोलते हैं. जैसे जो थी डू नॉट कमिट टू वॉयलेंस ट्रूथफुलनेस नॉन स्टीलिंग नॉन एक्विजिशन और चेस्ट लिविंग मतलब ब्रह्मचार्य. उसके बाद ये मानते थे कि मतलब इनकी कुछ तीन ज्वेल्स को भी फॉलो करते थे. मानते थे कि इन तीन ज्वेल्स को फॉलो करने से जैसे राइट बिलीफ राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट इन्हें फॉलो करने से ये अपने जो बैड कर्मास है उनसे मुक्ति पा सकते हैं. और वर्धमान महावीर के अकॉर्डिंग जो इंसान है वो अपने कर्मों की वजह से अपर और लोअर क्लास में जाता है. अगर इंसान जो लोअर क्लास के सोसाइटी के हैं वो अगर अच्छे काम करने लगे तो वो हायर क्लास हायर वर्ण को पा सकते हैं. वो एनिमल किलिंग को और वॉर को प्रोहिबिट करते थे. उसके बाद स्प्रेड ऑफ जैनिज्म में हमने देखा कि जो आफ्टर द डेथ ऑफ द महावीर हमने देखा कि जो एक ग्रेट फैमाइन आया था जिसकी वजह से उनके कुछ फॉलोअर्स साउथ की तरफ चले गए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रभाव और कुछ वहीं रह गए थे जिन्हें हम श्वेतांबर्स बोलते हैं. जो साउथ में गए थे उन्हें हम दिगांबर्स बोलते हैं जिसकी वजह से हमें साउथ में भी ये जैनिज्म देखने को मिला था. जो दिगांबर्स होते थे वो कपड़े नहीं डालते थे. ये अपने पांचों कंस्ट्रेंट्स होते थे जैसे अहिंसा सत्यास्तय अपाग्रह और ब्रह्मचार्य इन सारों को फॉलो करते थे. और इनके अंदर माना जाता था कि जो वूमेन है वो कभी भी तीर्थंकर नहीं बन सकते. उसके बाद जो श्वेतांबर्स होते थे जो वो जनरली पार्श्वनाथ की जो टीचिंग्स है उन्हें मानते थे. वो ब्रह्मचार्यों को फॉलो नहीं करते थे और वो सिंपल वाइट क्लोथिंग में डालते थे. वो चलते वक्त अपने हाथ में झाड़ू वगैरह रखते थे कि कहीं रास्ते में कोई कीड़ा वगैरह नहीं आ जाए. वो मतलब सफाई करते चलते थे और ये मानते थे कि जो वुमेन्स वगैरह वो तीर्थंकर बन सकती हैं. उसके बाद हमने देखा कि
जैनिज्म कलिंगा ओडिशा कर्नाटका इन सारे एरियाज में स्प्रेड हुआ। कर्नाटका में जो इनके मोनेस्टिक ऑर्डर्स वगैरह होते थे उन्हें हम भसाड़ीज वगैरह बोलते थे। जो इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि ये फर्स्ट थे जिन्होंने एक लास्ट के मतलब आवाज़ उठाई थी, जो मतलब जो फर्स्ट जिन्होंने एक सीरियस अटेम्प्ट लिया था कि जो वर्ण सिस्टम की जो इविल्स वगैरह हैं उनके खिलाफ इन्होंने उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की थी। इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज को फ्लरिश किया, जो मतलब जो प्राकृत लैंग्वेज थी जिसकी वजह से अलग जो रीजनल लैंग्वेजेस थी उनका डेवलपमेंट हुआ, जैसे सोरशेनी जो मराठी से लैंग्वेज से रिलेटेड थी। और ये इमेज वर्शिपर्स भी नहीं थे, इन्होंने आइडल वर्शिप को कंडेम किया। उसके बाद गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है कि जो गौतम बुद्ध थे जिन्होंने बुद्धिज़्म के फाउंडर थे, वो उनका जो बर्थ प्लेस था वो लुम्बिनी, उनकी जो मदर का नाम था क्वीन माया और उनके फादर का नाम था किंग शुद्धोधन, और जो जैन जो वर्धमान महावीर थे उनके फादर का नाम सिद्धार्थ था। मैंने गलती से शुद्धोधन बोल दिया था। ये क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे और इन्होंने 29 ईयर्स की एज में अपना जो घर है वो छोड़ दिया था। और ये इनका जो हॉर्स था कंतक जिसके ऊपर बैठकर ये इन्होंने अपना घर छोड़ा था उसका नाम था कंतक, और जो इनका चैरिटियर था उनका नाम था चन्ना। और हमने देखा कि इन्होंने जो 35 की ईयर्स की एज में निर्वाणा हासिल कर लिया था। इन्होंने अपना जो फर्स्ट सरमन था वो सारनाथ में दिया था, और ये 35 ईयर्स की जब इन्होंने सरमन करिए थे मतलब घूम रहे थे यहाँ से वहाँ, तो इन्होंने जो बोध गया में पीपल ट्री के नीचे बैठ के जो अपना निर्वाणा हासिल वहाँ किया था, फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिया था जो बनारस में। ये इनकी काफ़ी अच्छी फिजिक थी, और इन्होंने कौसाम्बी श्रावस्ती वाराणसी और राजगीर ये अलग अलग सोसाइटीज़ पर गए थे। ये जो सिटीज़ जहाँ पर इन्होंने ट्रैवल किया वो वहाँ पर हमें अर्बन फेस देखने को नहीं मिला था। इनकी जो डॉक्ट्राइंस थी ये भी मतलब वेदास को रिजेक्ट करते थे, एंड दे ऑल्सो रिजेक्ट द कंसेप्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। और जो बुद्धा थे वो जो रियल वर्ल्ड्स की जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें देखकर उनके निर्वाण में लगे हुए थे। इन्होंने कहा था कि जो वर्ल्ड है वो फुल ऑफ सोरोज है, जो सोरो है वो हमारी डिज़ायर्स के कारण होता है, अगर हम अपने डिज़ायर्स को छोड़ देंगे तो हमारे दुख भी ख़त्म हो जाएंगे। इन्होंने कहा था कि इसे हम एट फोल्ड पाथ दिए थे जिनसे ये बोलते थे कि हम अपने जो बिस्सी वगैरह उनसे छुटकारा पा सकते हैं। और इन एट फोल्ड पाथ्स को हम अष्टांगिका मार्क्स भी बोलते हैं। ये थे जैसे राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, और राइट थॉट्स, राइट अंडरस्टैंडिंग। बुद्धिज़्म के अंदर हमें त्रिरत्न भी देखने को मिलते हैं जिन्हें हम थ्री ज्वेल्स बोलते हैं, जैसे बुद्ध जिसका मतलब होता है एनलाइटेंड वन, धम्मा जिसका मतलब टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, और डॉक्ट्राइंस ऑफ द बुद्धा, संघ, मोनेस्टिक ऑर्डर। उसके बाद इन्होंने जो अपने फॉलोवर्स और टीचर्स वगैरह थे उनके लिए भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट दिए थे, जैसे डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट कवर द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स एंड इंटॉक्सिकेंट, डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट इंडल्ज इन सेक्सुअल मिसकंडक्ट। ये सारी चीज़ें इनकी डॉक्ट्राइंस और इनकी फिलोसफी में देखने को मिलती थी। उसके बाद जो फीचर्स था बुद्धिज़्म का एंड उनका जो कोर्स था स्प्रेड होने का वो था कि एक तो ये भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, और जो मतलब रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड द रिजेक्ट द कंसेप्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। और जो लोग हैं वो बुद्धिज्म को अपना रहे थे विदाउट किसी कास्ट के या डिस्क्रिमिनेशन के। जो एक तो पर्सनैलिटी ऑफ बुद्धा थी वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव थी जिसकी वजह से बुद्धिज्म काफ़ी स्प्रेड हुआ, और उनका पोइज और काम नेचर जो मतलब डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में भी हमें जो मतलब इसी तरीके से रहता था कि उनका जो काम नेचर था वो डिफिकल्ट कितने डिफिकल्ट सर्कमस्टांस आ जाए वो हमेशा ऐसे ही खुश मिजाज के रहते थे। और जो उनका जो संघ मतलब उन्होंने जो अपनी टीचिंग्स वगैरह देने के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल करी वो प्राकृत थी, मतलब यूज़ ऑफ पाली लैंग्वेज जो एक प्राकृत की ही फॉर्म थी उसका इस्तेमाल किया ताकि वो जो लोग हैं उनसे इजीली कनेक्ट हो पाए, बिकॉज जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो हायर क्लास में ज़्यादा प्रिवेंट थी, लोअर क्लास के लोग ज़्यादा उसे नहीं समझ पाते थे। और बुद्धा की डेथ के बाद देखा कि जो किंग अशोका थे उन्होंने बुद्धिज़्म को काफ़ी एम्ब्रेस किया, उन्होंने सेंट्रल एशिया, श्रीलंका वगैरह में बुद्धिस्ट को फ्लरिश करने की कोशिश की। उसके बाद हम देखते कि बुद्धा का डेक्लाइन और कोज क्यों थे इसके डेक्लिनेशन के। इनके डेक्लाइन का मेन कारण था कि मतलब इनके उससे जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने अपने आप को रिफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इन्हें काफ़ी वेल्थ वगैरह मिलने लगी, इन्हें मोनेस्टिक सपोर्ट, इनकी मोनेस्ट्रीज को काफ़ी मतलब डोनेशन वगैरह मिलने लगा, जिसके कारण इनके अंदर कुछ हमें मतलब खराबियां देखने को मिल गई थी। जैसे जो संस्कृत, एक तो ये संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था पाली लैंग्वेज को छोड़कर, जो और लेविश लाइफ जीना स्टार्ट करने लगे थे, जिसकी वजह से जो मोनेस्ट्रीज वगैरह थी उसके अंदर जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ वगैरह भी प्रिवेंट होती थी। और हमने देखा कुछ जो रूलर्स थे जैसे जो ब्राह्मण रूलर थे विश्वामित्र शुंगा, जिन्होंने काफ़ी बुद्धिस्ट का प्रोसिक्यूशन किया। उसके बाद जो हुना किंग थे मिहिरा कुला, जिन्होंने जो वर्शिपर थे शिवा के, उन्होंने भी 1000 बुद्धिस्ट थे उनको मरवाया। उसके बाद हमने देखा कि जो साउथ में भी वैष्णववाद और शैविज्म का इमर्जेंस हो रहा था वो भी इनके खिलाफ जाने लगे, लेकिन इनका सिग्निफिकेंस ये था कि
बुद्धिज्म का सिग्निफिकेंस था कि इन्होंने मतलब वुमेंस और शुद्रास के लिए जो अपने डोर्स थे वो ओपन किए, मतलब विदाउट एनी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने पॉवर्टी को रिड्यूस करने की सोची। इन्होंने लोगों को कहा कि वो वेल्थ वगैरह को एक्यूमुलेट ना करें जिससे पॉवर्टी कम होगी। इन्होंने जो कैटल स्लॉटर है उसको बंद करने के लिए कहा। इन्होंने इंपॉर्टेंस बताया कि कैटल की कैसे हम कैटल हमारे लिए फूड गिवर है, वो हमें मिल्क वगैरह ये सब देती है और इसकी वजह से एफॉरेस्टेशन भी होता है। तो इन सारी चीज़ों के कारण जो बुद्धिज़्म था वो काफ़ी उन्होंने इंडिया मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें दी जिसका इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलता है। और जो इसके इंस्क्रिप्शंस वगैरह थे जो स्क्रप्चर्स वगैरह बनाए गए इसमें हमें ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था। गंधार जो आर्ट थी वो प्रिवेंट होने लगी। जो मोंग्स वगैरह थे उनके लिए चैत्यास और विहारास के रूप में केव्स वगैरह बनाई गई। और लेकिन जो बाद में इनके अंदर जो अदर्स इसके जो मतलब पार्ट्स डेवलप हुए जैसे वज्रयान और महायान बुद्धिज़्म जो तांत्रिक बुद्धिज़्म वगैरह भी बोलते हैं वज्रयान को, उनकी वजह से जो इसमें काफ़ी चेंज आने लगा और उसके अंदर तंत्र मंत्र यंत्र का मतलब प्रयोग होने लगा जिसकी वजह से जो बुद्धिज़्म था उसका डेक्लिनेशन हुआ। थैंक यू।